नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने के प्रमोशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, अब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नया नया गाना आना शुरू हो चुका है आप सभी के बीच, जिसमें से खेसारी लाल यादव का 2-3 गाना हाल फिलहाल में आप सभी के बीच आया है, वहीं पवन सिंह का एक गाना आप सभी के बीच आया है। और बात रही गाना चलने और ना चलने का, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिसका गाना अच्छा रहेगा उसका गाना चलेगा, जिसका गाना अच्छा नहीं रहेगा उसका गाना नहीं चलेगा। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, हाल फिलहाल में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नए नए वीडियो गाने का भी शूट किया गया है, जिसमें से खेसारी लाल यादव के 5-6 वीडियो गाने का शूट किया गया है, वहीं पवन सिंह के 2 वीडियो गाने का शूट किया गया है, जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत सारा तस्वीर दिखाया है। ताजा खबर के माध्यम से अलग से वीडियो बनाकर बहुत सारा तस्वीर आप सभी को दिखाया है। अब चलिए बात कर लेते हैं गाना प्रमोशन के बारे में। इस समय पवन सिंह की टीम और पवन सिंह पूरी तरह से डाउन दिख रहे हैं गाना प्रमोशन को लेकर। कोई भी नए गाने पे रील्स नहीं बनाया जा रहा है, कभी कभार के एक रील्स बना दिया जा रहा है। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल पवन सिंह और पवन सिंह की टीम पूरी तरह से एक्टिव थे, बैक टू बैक इवेंट हो रहा था गाने को लेकर और जबरदस्त तरीके से गाने का प्रमोशन किया जा रहा था। वही बात की जाए खेसारी लाल यादव के बारे में, तो खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना आप सभी के बीच आता है तो खेसारी लाल यादव अपने आईडी से एक रील्स जरूर बनाते हैं। और अलग अलग आईडी की बात की जाए तो खेसारी लाल यादव हर रोज 6-7 रील्स बना देते हैं अलग अलग आईडी पे, यानी खेसारी लाल यादव की टीम में जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों के आईडी से रील्स आता रहता है। और कभी कभार के खेसारी लाल यादव लाइव भी आ जाते हैं गाने को लेकर। हाँ, तो दोस्तों आज के जमाने में प्रमोशन जरूरी है, तभी जाकर गाना वायरल होगा। वीडियो पसंद आया तो जैसा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।